सो so, कैसा प्यार मिल रहा है आपको सीजन थ्री का अगर हम कंपेयर करें सीजन वन और सीजन टू से सीजन वन और सीजन टू में तो मैं प्यार दे रहा था ना क्योंकि मैं फैन था तब अच्छा हाँ सो so, इस इस सीजन hmm. का, काफी okay. सारा प्यार मिल रहा है सो आई मीन आई एम नॉट कम्प्लेनिंग और ऐसे यू नो मीम आया था कि माधुरी जी का जो है कैरेक्टर मतलब उनका जिस जिस से लव एंगल बनता है उस उसकी डेथ हो जाती है जैसे जो उनका हस्बैंड था वो अननोन रिवील नहीं किया गया था उनकी तो पहले से ही डेथ हो गई थी फिर मुन्ना भाई की भी डेथ हुई देन अभी के साथ कुछ उनका था तो शरद भी यू you नो know, भगवान को प्यारे हो गए तो ये कुछ सोचा हुआ था आप लोगों का या फिर ऐसे ही वो हो गया बस हो गया नथिंग नथिंग ऐसा कुछ uh, सोचा नहीं गया ना कि जिस जिस से उन्होंने लव एंगल बनाया सब भगवान को प्यारे हो गए अभी नाउ दैट्स दैट्स अ ट्रिविया दैट यू गाइस

Penned these beautiful words is is our dialect coach Ashish Mishra who's who's fantastic fantastic the most unassuming guy तो but he is like अच्छा। he's just he's fantastic. ऐसे होता है ना कि कुछ लोग दिखते हैं तो बड़े सीधे एकदम ऐसे कि भाई इनसे आप you know ऐसे हो जाता है कि नहीं ये तो बहुत बोले भाले होंगे ऐसे but जब वो बोलना start करते जब खुलना start करते तो लगता है भाई इसका ये साइड भी है तो हा? वो वैसे आएगा

देन सीजन फोर में क्या पूरा बिहार और एमपी वगैरह कवर करने का कुछ Let's है क्या लेट अस सी द स्टोरी हैज टू ग्रो ना जैसे uh, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ स्टोरी हैज टू ग्रो जो आपने पहले के सीजन में देखे उससे आगे तो बढ़ना है क्योंकि लोगों को कुछ अलग देना है अब क्या होता है <laughs> क्योंकि किसी का लाइफ भी आप ले लो कि स्टार्ट

दादा की बेटी से भी उनका कुछ कुछ देन अब गोलू पे भी तो ये गुड्डू भैया कहा स्टिक रहने वाले है कि इनका कहीं भी मन ऐसे हो रहा है तो so, so अगर आप देखोगे सी फर्स्टली कहा स्टिक रहने वाला है मन तो वो गुड्डू भैया को पूछना चाहिए आपको बट आई एम सींग एज अ कैरेक्टर इट इज ओनली बिकॉज ही लॉस्ट हिज अर्ली लव फर्स्ट सीजन में देन ऑब्वियसली शबनम के साथ था वो केमिस्ट्री था एंड देन गोलू वॉज हिज सपोर्ट सो यू सी हिस्स ग्राफ ऑल्सो ना कहा से कहा सर्कमस्टांसिस भी उसको कहा ले जा रही है इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो विच प्रोबली डेवलप और इट कुड बी दैट मोमेंट जहां पे जो होता है जो आप लास्ट सीन की बात कर रहे हैं सो इट्स दैट मोमेंट जहाँ पे वो हो जाता है तो देखते हैं हाउइट प्रोग्रेसिस सो इट्स नॉट एक्चुअली यहाँ पे एक रोमांटिक एंगल शुरू होने वाला है लेट सी हाउइड प्रोग्रेसिस तो सीजन फोर के लिए भी हमें काफी वेट करना पड़ेगा आएगी तो आई नो बट जल्दी आने वाली या फिर एक, दो साल का गैप ये लेगी आराम से तो ना। आ, लिखना तो पड़ेगा फिर बाद में शूटिंग करना पड़ेगा तो उतना तो होगा क्योंकि अब फर्स्ट सीजन आया था अठारह में दूसरा सीजन आया ट्वेंटी में फिर दो साल को तो टेक्निकली दो दो साल में एक एक सीजन आ रहा है दो तो ये भी अभी दो साल का वेट करो तब हाँ दो साल तो होगा ही बट धमाकेदार होगा

थैंक यू सो मच सर बहुत मजा आया थैंक यू सो मच सो लवली टॉक